try to discuss one small topic, explain mercantile agent. What are mercantile agents? Let us have its idea. The definition of mercantile agent, samajhne ki koshish karte hain, mercantile agent hote kaun hai? Mercantile agent means an agent having in the customary course of business, or we can say in the ordinary course of business, as such agent, authority either to sell the goods or to consign the goods for the purpose of sale, or to buy the goods, or the fourth function of agent is to raise money on the security of the goods as per section 2 subsection 9 of Sale of Goods Act. So samajhne ki koshish kar rahe ki mercantile agent exactly hai kaun. Mercantile agent exactly kaun hai sir? To mercantile agent हम आगे एजेंसी के अंदर पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट में आते कौन है सर? फैक्टर्स, आपको याद होगा शायद आपने ध्यान से पढ़ा हो तो, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडर एजेंट, ब्रोकर्स, तो ये सारे होते हैं मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल का दूसरा नाम क्या होता है? बिजनेस, बिजनेस एजेंट भी कह सकते हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए एजेंट है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एजेंट का काम करते हैं उसे हम मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं. इनके पास किन चीज की अथॉरिटी होती है, ये एग्जैक्टली करते क्या, इनके पास क्या पावर से, क्या कर सकते हैं, किस प्रकार के व्यवहार कर सकते हैं? तो सर ये माल बेच सकते हैं, टू सेल गुड्स, किसी और को माल बेचने के लिए दे सकते हैं, दैट इज टू कंसाइन द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल. एक तरीके से आप सेल ही कर रहे हैं, आपको माल मिला, आप किसी थर्ड पार्टी को माल बेचने के लिए दे रहे हैं, उसे कंसाइनमेंट कहते हैं. या आप माल खरीदने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट की गई हो, मालिक ने यानी कि प्रिंसिपल ने आपकी अपॉइंटमेंट माल खरीदने के लिए की गई हो, only to buy the goods, या आप उस चीज के ऊपर you can raise money also. आपको पैसे की जरूरत है तो आप goods को security के तौर पे रख के उस पे से आप money, capital भी raise करना चाहे, यानी loan भी लेना चाहे तो loan ले सकते हैं. गिरवी रख के, goods को गिरवी रख के भी आप money raise कर सकते हैं, इसका advantage है. यानी एक owner जितने काम कर सकता है ना, एक owner की जो ownership होती है ना goods के ऊपर, वो सारी एक तरीके से वो सारी पावर्स, वो सारी अथॉरिटी मर्केंटाइल एजेंट को मिलती है. माल बेच सकता है, ही कैन सेल द गुड्स, ही कैन कंसाइन द गुड्स, ही कैन बाय द गुड्स, ही कैन इवन टेक लोन ऑन द गुड्स. प्लेज करके, गिरवी रख के आप लोन भी ले सकते हैं, और क्या चाहिए. आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, यही इसका एक्सप्लेनेशन है. जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया वही चीजें हैं यहाँ पे. द वर्ड्स इन दिस डेफिनेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स या कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट आर वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज if a person is not carrying on business as such agent, he would not fall under this definition. धंधे के सामान्य क्रम में जो एजेंट होता है वो ही होना चाहिए, यानी वो बिजनेस करता होना चाहिए, जनरल बिजनेस का एजेंट होना चाहिए, तो ही वो इस डेफिनेशन के अंदर कवर होता है, नहीं तो वो एजेंट माना ही नहीं जाएगा. He will be considered as a non-mercantile agent. वो बिजनेस का एजेंट नहीं है ऐसा माना जाएगा. और आपको खास ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इनका ध्यान रखना है, हु आर नॉट मर्केंटाइल एजेंट्स, इस तरीके से पूछ ले, हु आर नॉन मर्केंटाइल एजेंट या हु आर नॉट मर्केंटाइल एजेंट. तो आप ये नाम याद रखिए, कॉन्ट्रैक्टर, अ करियर और अ सर्वेंट यानी के नौकर या मिडलमैन कह सकते हैं, वेयर हाउस मैन और फ्रेंड, वुड नॉट, वुड बी एक्सक्लूडेड, वुड बी एक्सक्लूडेड कहने का अर्थ ये है, दे आर नॉट मर्केंटाइल एजेंट, दे आर नॉन मर्केंटाइल एजेंट. जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के बेसिस पे ये खुलासा किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इन लोगों को छोड़ देना है. दे आर नॉट मर्केंटाइल एजेंट्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मर्केंटाइल एजेंट, दे आर एक्सक्लूडेड. कॉन्ट्रैक्टर नहीं है मर्केंटाइल एजेंट, करियर, सर्वेंट, वेयर हाउस मैन और आपका दोस्त, आपका मित्र, वो कोई मर्केंटाइल एजेंट नहीं है, वो नॉन मर्केंटाइल एजेंट है.